सभी भाइयों को सुरेंद्र सन सनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर हम अंकुर भाई के यहाँ पे हैं, जिनकी पहले भी हमने एक दूसरे ब्यांत की बहुत ही शानदार जोटी दिखाई थी, और भी जो इनके पास पशु हैं, एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का जो ये बुल आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये भी और बाकी जो और भी पशु हैं भाई के पास डेयरी फार्म, वो भी दिखाएंगे साथ में आपको इस वीडियो में। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो हमारी आप YouTube पे देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा पेज है, वो ज़रूर लाइक करें। तो अंकुर भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भाई। तो भाई साहब एक बार दोबारा से एड्रेस जानना चाहूँगा, गाँव का नाम और फ्रांसवाला डिस्ट्रिक्ट कैथल, गाँव फ्रांसवाला जिला कैथल। अंकुर भाई साहब कितने दांत है बोलिए अभी? अभी भाई साहब छह दांत तोड़े, छठे दांत तोड़े हैं इसने भाई साहब। अच्छा, छह दांत हो चुका है के तोड़े हैं दांत अभी? तोड़े हैं भाई साहब अभी। अच्छा, तो लगभग उम्र चार, साढ़े चार साल, चार साल के आसपास है, चार साल के आसपास। ठीक है, तो भाई साहब इसका दूध का रिकॉर्ड क्या है, माँ कितने दूध की है? इसकी माँ भाई साहब हम जब ये लेके आए थे तो इसकी माँ लगभग चार पाँच महीने की ब्याई हुई थी। अच्छा, 17-18 किलो दूध था भाई साहब। एक हमने पूछा नहीं कितने पे गई थी, हम आपको झूठ बोलते भाई 25 था, 24 था, लेकिन चार पाँच महीने की सुई हुई कि 17-18 किलो दूध तैयार था उसकी माँ के नीचे। ठीक है, तो लगभग 20 किलो से तो ऊपर की ही होगी भाई साहब। और इसका फादर कौन है भाई साहब? भाई साहब फादर का नहीं पता, सीमन लगवाया था उन्होंने। अच्छा, घरेलू से आदमी थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी इनको। अच्छा अच्छा, फादर का नहीं पता। तो ये देखिए छः दांत बुल भाई का, बिल्कुल छोटा कटड़ी जैसा मुंह है, मोस्टली ऐसा चेहरा आपको बुल का बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बिल्कुल छोटे सींग का और बिल्कुल पतले मुंह का, बिल्कुल कटड़ी जैसा मुंह है। और जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़ी आएंगे बुल के, और हाइट लेंथ देखिए बहुत ही शानदार, भाई साहब की हाइट काफ़ी है और इनके बिल्कुल बराबर लग रहा है। पीठ पूठा देखिए बहुत ही शानदार कटड़े का, जो पूंछ है उसमें थोड़े से बाल वाइट हैं दो चार, और टेस्टिकल बहुत बढ़िया, और ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत एक्टिव। काफ़ी सारे बुल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी भारी भरकम होते हैं, क्या पता वो भैंस के ऊपर छोड़ते होंगे उस टाइम, क्रॉस करते हैं कि नहीं करते, भारी भरकम ज़्यादा होने के कारण। लेकिन ये जो बुल है ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत ही शानदार है और काफ़ी एक्टिव है, बहुत ही कम इतने एक्टिव आपको, इतना बड़ा बुल, भारी बुल, इतना एक्टिव बहुत ही कम मिलेगा। अंकुर भाई साहब इसको कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट कराया आपने? लगाया था भाई साहब, ये अदंत था जब ये खीरा था, हमने पटियाला शो में लगाया था जब ये थर्ड पोजीशन पे आया था भाई साहब। अच्छा, उसके बाद दो से चार दांत में हमने मेरठ में लगाया था, वहाँ इसकी सेकंड पोजीशन थी भाई साहब। अच्छा, मेरठ में सेकंड थी, मेरठ में सेकंड थी साहब। अच्छा, मिला हुआ था। हाँ हाँ, और पटियाला के अंदर ये थर्ड था भाई साहब। ठीक है, और कहीं तो फिर कोई कंपटीशन आया नहीं? नहीं भाई साहब, जर में नहीं लगाया इस बार? जर में लगाया भाई साहब, घर में शादी थी। अच्छा, कोई पशु नहीं लेके गए वहाँ पे? कोई नहीं लेके। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दो कंपटीशनों में पार्टिसिपेट किया है बोलने, और दोनों में ही एक में सेकंड रहा है और एक में थर्ड, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए भाई का डेयरी फार्म, काफ़ी सारे पशु हैं भाई के पास, इसमें काफ़ी बढ़िया सिस्टम बना रखा है और अच्छा डेयरी फार्म है। ये देखिए काफ़ी लंबा और खुला, छत भी काफ़ी ऊंची दे रखी है भाई ने। इन पशुओं के बारे में भी पूछेंगे कौन सा पशु इसमें ज़्यादा दूध का। भाई साहब इसमें से जो भैंस आपके पास ज़्यादा दूध की है उन्हीं के बारे में बता दीजिए हमें। एक तो भाई की है ये वाली, ये कितना दूध देती है जी? 23-24 किलो भाई साहब, बिल्कुल कांडे का दूध देती है। ये हमने बेच भी दी थी 4-40 की, फिर पाखड़ वापस लिया भाई साहब। 23-24 किलो जी। ठीक है, एक भाई साहब, एक चुने वाले भैंस भाई साहब। ये देखिए कटड़ियाँ भी हैं भाई के पास, बहुत ही शानदार कटड़ी। ये देखिए दो दांत अर्जुन की कटड़ी भाई साहब, अर्जुन कुंगड़ की दो दांत। ठीक है, काफ़ी हाइट लेंथ है कटड़ी की। ये भाई साहब खरखी जोटी में सुभाष गुज्जर से 19 किलो दूध तोड़ के चार दांत में लेके आया था दिल्ली से। हाँ हाँ। अच्छा, ये भैंस है भाई साहब 24-25 किलो दूध की है। अच्छा हाँ जी, बहुत चौड़ा अड्डर है भाई साहब, बहुत ही अड्डर पे सारे में इतनी मोटी मोटी नस खिड़ जाती है भाई साहब। अच्छा अच्छा, और ये भाई साहब भैंस है, चंडीगढ़ में इसका रिकॉर्ड है, आज से 7-8 साल पहले ये 24-970 में पास करवाई थी। इस टाइम भैंस बड़ा अपना दिखा रही है, 8-9 में भी आ चुकी है। हाँ, और जितनी बार भी दिए करते दिए भाई साहब, इस बार इसने इकट्ठी दी है पहली बार हमारे पास। और भैंस का भाई साहब जवानी भैंस में इतना अड्डर था, मैंने आज तक जिंदगी में इतना अड्डर नहीं देखा। ठीक है, अब भैंस बड़ा अपना जो दिखा रही है भाई साहब। बिल्कुल,
तो काफ़ी काफ़ी भारी भैंस है और मोस्टली 20 से ऊपर 23 की 24 की भैंस, ये 3-4 भैंस अपने पास हैं भाई साहब। लेकिन 18-20 किलो दूध की सारी भैंसें हैं जैसे भाई साहब ये जो काफ़ी ट्राई हुई है ना। हाँ सभी 18-20 किलो की हैं ये। ठीक है ठीक है, काफ़ी सारे पशु हैं भाई। लेकिन ताजी भाई साहब इतना जबरदस्त डर मारा है, 23-23 किलो दूध निकाल रहा है। मैं आपके अवरेज कोई फोटो में फोटो दिखाऊंगा इसकी। हाँ दिखाओ निकालो, 23-23 किलो दूध, बहुत जबरदस्त डर भाई साहब इसका, बिल्कुल पीछे की तरफ डर इसका। छोटे साइज की भैंस है, छोटी पेट पुठा बढ़िया, खाने में बहुत अच्छी होगी ये मेरे ख्याल से। ये भाई साहब इसकी ताजी कैडर की फोटो है, ये देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया। और भी है कोई फोटो भाई इसकी? हाँ जी मैं भी दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसे फुटबॉल की तरह हवा भर दी गई है इस प्रकार से लग। मैं आपको जो मेरे कोने में भैंस खड़ी है उसकी एक मिनट और फोटो दिखाता हूँ। हाँ। तो काफ़ी सारे पशु हैं भाई के पास और काफ़ी अच्छे। ये जो सामने जो कोने में भैंस भाई बताई और उसकी फोटो वीडियो इसी ब्यात की है भाई साहब, लेकिन ताजी की, अभी दूध दे रही है कमजोर हो रही है। ये ताजी है भाई साहब, हर साल ऐसे तैयार होती है, दूध देते हुए कमजोर हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई, 24970 में भाई साहब एचएलबी का रिकॉर्ड की भैंस है भाई साहब ये। एक बार 23600 एक बार 24970 में पास हुई है भाई साहब। बहुत बढ़िया, इस बार इसने कटड़ी दी हुई है भाई साहब, उस साइड है इसकी। तो काफी सारे पशु भाई के पास, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब अपना दूध क्या रेट में जाता है यहाँ पे? अपना दूध का रेट है भाई साहब 45 रुपए। 45 रुपए बच तो नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से भाई साहब? दूध में तो नौकरों का खर्चा थोड़ा बहुत डेयरी खर्चा निकल जाता है, लेकिन अपना काम भाई साहब सेल परचेज का है, ब्रीडिंग का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दूध में इतनी बचत नहीं है भाई साहब, पूरा पूरा हो रहा है। ठीक है ठीक है, बाकी 60 रुपए किलो से अगर आज कम किसी का दूध बिक रहा है तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी बहुत बचत है। 60 रुपए में भी भाई साहब आज की डेट में 38-40 रुपए किलो तो खड़ा हो रही है भाई साहब, उसमें 1800 की बोरी लेके आप कितना खिलाओगे, कितना बचाओगे? बिल्कुल, दूध का रेट है नहीं, दूध का रेट कम से कम 80 रुपए हो भाई साहब, जब जमींदार को 2 पैसे की बचत है। बिल्कुल, जब 40-45 में तो भाई साहब कोई बचत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अंकुर भाई साहब 2 टाइम फीडिंग करते हैं पशुओं की? 2 टाइम करते हैं भाई साहब। तो फीड में क्या दे रहे हैं? फीड में भाई साहब बिनोले की खल छिलका। अच्छा मैंने जैसे बाखड़ भैंस है इनके लिए मैंने गेहूं का दलिया पिसवाया हुआ है, उसमें सरसों जो मक्का उसमें नमक नमक डाल के अपनी फीड तैयार करवाई हुई है भाई साहब, वो डालते हैं बाखड़ भैंसों को भिगो के और तूड़ी वगैरह में मिला के फिर डालते हैं भाई साहब। भिगो के देते हैं, गर्म करके नहीं देते भाई साहब, गर्म करने का ज्यादा पशु है इतना सिस्टम बैठता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, डाल देते हैं भाई साहब। तो हरा चारा भाई साहब पूरे साल रहता है? हरा चारा ज्यादा रहता है भाई साहब, मोस्टली रहता है, बीच में थोड़े बहुत दिन जैसे 1-1.5 महीने बीच में गैप आ जाता है। तो हरे चारे में क्या यूज कर रहे हैं आप? ज्वार और बरसीम भाई साहब, दो चीजें। ज्वार और बरसीम, इस टाइम ज्वार है, सर्दियों में अपना बरसीम हो जाती है भाई साहब। जई वगैरह नहीं लगाते सर? जई नहीं भाई साहब। ठीक है ठीक है, तो भाई साहब और क्या कहना चाहेंगे जो नए पशुपालक भाई हैं डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, किस चीज का ध्यान करें भाई साहब? सबसे पहले तो चोरों से बचो। आजकल झूठ का इतना काम हो रहा है भाई साहब, किसी की 24-25 किलो से कम दो दिन दे रही है। बिल्कुल सही बात, सबकी 24-25 देती है भाई साहब। ब्याने के बाद देखो 2 टाइम भाई साहब मिल्किंग बहुत है, कई लोग कहते हैं 3 टाइम मिल्किंग करो 4 टाइम करो, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने हाथ से खाली करके 12 घंटे बाद दूध देखो और भाई साहब बढ़िया दूध की भैंसें लो। बिल्कुल, 10-12 किलो वाली भी दूध देने वाली इतना खाएगी और 18-20 किलो देने वाली इतना खाएगी, प्लस उसके बच्चे बढ़िया तैयार हो जाएंगे ब्रीडिंग के लिए, मान लो बढ़िया रहेगी भैंस। अच्छे सीमन का यूज करें, अच्छे सीमन भाई साहब है, और जो भी नामी जोटे हैं भाई साहब, बेशक बुरा माने जोटे वाले, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी नामी जोटे हैं उनका सीमन ना लगवाए, बढ़िया दूध वाली भैंस हो आपके गांव में हो कहीं दूर हो उसके जोटे से क्रॉस करवा लो, या सीआरबी सार के जो बढ़िया दूध वाली भैंस के बच्चे हैं उनसे मान लो सीमन रखवा लो, उस लिए फायदा भाई साहब। नामी जोटों को छोड़ दो अगर भाई साहब आगे इसमें कामयाब होना तो। मैं तो भाई साहब ये रिक्वेस्ट करूंगा, मान लो जमीन काफी सारी भैंसे जो सीआईआरबी में या प्राइवेट जो मेले लगते हैं उनमें रिकॉर्ड करवाया है उनके कटों से क्रॉस करवाओ, उनके काफी सारे बुल हैं, उनके सीमन आए हुए हैं उनके रखो भाई साहब, और काफी अच्छे रिजल्ट्स, काफी अच्छे बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट आगे सेकंड आगे थर्ड आगे, ऊंचाई लंबाई ज्यादा है, माँ का रिकॉर्ड उनका कुछ है नहीं, उनसे सीमन ना रखवाओ भाई साहब अपनी, मान लो भैंसों का नाश ना करें, क्योंकि एक बच्चा भाई साहब गलत आगे कर ली 3 साल तो उसकी हमें वेट करनी पड़ेगी, 3 साल के बाद जब वो 8-10 किलो दूध देगी ना भाई साहब जमींदार का शौक ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। तो भाई साहब सीमन का चुनाव अच्छा हो गया,
वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो भाई बाहर से हैं जैसे हरियाणा और पंजाब में तो अवेयरनेस है सीमन की, लेकिन जो अदर स्टेट से हैं, राजस्थान हो गया या यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और भी बड़े काफ़ी स्टेट हैं, वहाँ भी अच्छे सीमन यहाँ हरियाणा से लेके जाएं और अच्छे जो भैंसे हैं, देसी भैंसे हैं, उनके ऊपर भी रखवाएं, तो 3-4 पीढ़ी के बाद जो उनके घर पे कटड़ी आएगी वो अच्छी कटड़ी आएगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कुछ बताना चाहते हो भाई साहब? एक जो 24-25 किलो दूध आजकल हर कोई बताने लगा, तो और काफ़ी महंगे पशु बिक रहे हैं, तो आप बिल्कुल भाई ने सही कहा कि ध्यान रखें उस चीज़ का। पशु के रेट तो 1.5-2 लाख के हैं ठीक तो, हाँ, लेकिन भाई साहब बाहर वालों ने 1-2 भैंस ले ली, कोई 25 के ले ली, किसी ने 10 के ले ली, यहाँ वाले मान लो झूठ बोल बोल के भाई इसने 25 दिया 26 दिया, वो महंगी बेच देते हैं, लेकिन भाई साहब इसमें हरियाणा की बदनामी है जो बाहर पशु। लेकिन भाई साहब इसमें बदनामी के साथ एक बात और भी कहना चाहूँगा, किसी ने भैंस बेची 3 लाख रुपए की, अखबार में निकलवा देते हैं 7-8 लाख रुपए की। बिल्कुल है ये भाई साहब, कोई भैंस 18-20-15 की नहीं बिकी हुई है भैंस भाई साहब, हद मार के वो 24-25 किलो दूध की है, सुंदर झोटी है भाई साहब 4 लाख की 5 लाख की, जो ये 10-12 रुका मरवाते हैं भाई साहब पब्लिक सिटी के लिए, वो गलत है। ये ज़्यादा रिवाज चल रहा है भाई साहब झूठ बोलने का आजकल हरियाणा में। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी सारे अच्छी बातें बताई जो बहुत सारे पशुपालक भाइयों के काम आने वाली हैं, और जो नए डेयरी फार्मर हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बातें हैं ये, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको भाई का बुल और ये वैसे कैसी लगी, और जो भाई ने हमें जानकारी दी वो भी मैं कहूँगा कि हर पशुपालक भाई के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, और आप हमें कमेंट्स में फिर दोबारा कहूँगा बताना आपको कैसे लगे भाई के एनिमल्स, साथ ही नीचे स्क्रीन में भाई का नंबर चल रहा है, जो भी पशुपालक भाई इनसे बात करने के इच्छुक हैं वो इनसे संपर्क करें। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।